सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है हाई फॉर काशिफ के न्यू व्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे गाइस, नेक्स्ट डे मतलब कंटिन्यू डे ही है। तो अभी मेरा खाना आ चुका है, तो मैं भी खाना खा रही हूँ। पेन वो लोग ग्लूकोज ये वो सब कुछ चढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा प्रोग्रेस नहीं है, बस ठीक है। अभी ब्लड मेरा लेकर गए तो मेरा ब्लड बहुत ही ज़्यादा कम है, 12 पॉइंट रहना चाहिए तो 8 पॉइंट है। तो वो लोग बोल रहे हैं डॉक्टर्स लोग कि कुछ भी करके ब्लड तो चढ़ाना ही पड़ेगा, बिकॉज़ डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो और भी मतलब प्रॉब्लम आगे जाके दूसरी कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अभी काशिफ जा रहे हैं ब्लड बैंक ये ब्लड लेने के लिए, कहाँ पे, कल्याण जा रहे हैं गाइस। काशिफ ब्लड बैंक वहाँ पे है, क्योंकि मेरा ए बी नेगेटिव है। ए बी नेगेटिव कहीं भी अवेलेबल ज़्यादा जगह नहीं होता है, तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे मिला है। तो वहाँ अभी जा रहे हैं काशिफ ब्लड लेने के लिए। तो देखते हैं अभी आगे जो भी होगा आप लोग के साथ में गाइस सब शेयर करेंगे। बस दुआ करो कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। गाइस अभी इसको डॉक्टर ने चलने बोली है, क्योंकि इसको दर्द नहीं हो रहा है और दवा भी खा ली है, सब खा ली। तो अभी थोड़ा एक्सरसाइज करवा रहे कि एटलीस्ट उसका कॉन्ट्रैक्शन हो, थोड़ा मुंह खुले। तो अभी थोड़ा चलने के लिए बोल रहा है डॉक्टर। दर्द हो रहा है हल्का सी, अभी स्टार्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। सो गाइस यहां पे मैं पेन में हूं और मुस्तजाब की यहां पे हरकत चालू है। उसको भी मेरे बाजू में ही लेटना है, मेरे बाजू से उठना नहीं है ना मम्मा। अब इसको हल्का हल्का पेन चालू हो गया है, अब ये बात नहीं कर पा रही। अभी हल्का हल्का चालू हुआ है। अभी देखो हम लोग तो सोच रहे कि आज रात तक के इसको हो ही जाए, तो हम लोग सब भी खुश हो गए। बार बार इसको हॉस्पिटल ला ला के हम लोग तंग आ गए। हॉस्पिटल आते फिर जाते आते बता सोना नहीं टूट रहा है वैसे मुझसे जा क्यों टूट रहे हैं। अल्लाह भी वो भूत आएगा लेके जाएगा मुस्तु को। बाप रे, रात के 1 बजे अभी आई बाबा ब्लड चढ़ाने जा रहे हैं गाइस। काशिफ बाबा ब्लड लेके आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है बीवी के लिए। कल्याण जाके आ गए दादा। ये खून हाइफा खून पीती हुई वैम्पायर बनने वाली है, तो खून चूस रही है। काशिफ भाई का कम चूसी थी अभी। वही मैं बोला ना, मेरे को चढ़ाने की जरूरत, मुझे चढ़ना चाहिए। ये कब तक चढ़ेगा, 2.5-3 घंटे हो गया। अब लेटे रहे एक जगह, हाथ हो जाके बोरी में, तू गिलास में निकाल के पी, बोरी में जाके खत्म बात। तो गाइस यहाँ पर अभी अवरेश भाई की वाइफ और मम्मी जा रहे हैं। कभी आएंगे भाई? अभी तुम लोग खून चढ़ने दे सुबह में। इन लोग अभी जा रहे हैं क्योंकि मुस्तजाब यहाँ पर नहीं टिक पाएगा। सिर्फ मुस्तजाब की वजह से तीनों को जाना पड़ रहा है, क्योंकि मम्मी वहाँ अकेले। अच्छा यहाँ पर यहाँ पर की बहन आए, तो इन लोग इंशाल्लाह वापस सुबह में आएंगे। और मैं रात में 4-3 बजे लोगों को कॉल करके बोलूंगा कि दीदी हो गया है। हम लोग यहाँ पर इंशाल्लाह अभी कल दोपहर शाम होगी। हाँ रुक गया, चलो ठीक है। मुस्तजाब ऐसे ही कर रहा है जब से, ना रुक रहा है बार बार। हाँ मम्मी ठीक, मम्मी आप कैसे जा सकते हैं, मम्मी आपको नींद आएगी नहीं आती। नहीं अभी से मम्मी को रोना आ रहा है। मम्मी क्या हो गया आपको, क्या गाइस जिन लोग निकल रहे हैं लोगो बाहर छोड़ता हूँ, फिर मैं लिखूंगा। सो गाइस अभी हाइफा को ब्लड चढ़ा रहे है, इधर चढ़ा रहे थे बट इधर क्लॉट होने लगा था, क्योंकि इधर पहले ग्लूकोज चढ़ाए थे इस वजह से। तो अभी यहाँ पे वापस से एक बार सिरिंज करे, मेरे को तो बड़ा दुख होता है क्योंकि दो दो जगह जब उन्होंने लगाया ना ऐसा लगा। देखिए सभी देखो इधर से ऐसा जा रहे ब्लड ऐसा दिख रहा है। अभी वो बस ये लगाने से पहले मेरे को 3 इंजेक्शन दिए ना, वो सब एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की, कुछ ब्लड से इन्फेक्शन ना हो। अभी अपने को पता नहीं ना ब्लड कैसा है क्या, तो वो सब तेरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंजेक्शन दे रहे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस ये चढ़ जाए। अभी बहुत स्लो चढ़ता है, तो तू रेस्ट कर चाहिए तो सो जा थोड़ा सी,
बस बस यही रात एक बार गुजर गई ना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सब चीज हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआ कर बस सबके लिए, दुआ कर मेरे लिए भी कर, दुआ कर ठीक है, अपने लिए भी खुद कर पहले तो मैं बोलूंगी ठीक है। तो गाइस सुबह के बज रहे 5 और हाइफा को रात भर दर्द चालू है। अभी डॉक्टर आए थे, चेक किए, सब किए, उनके हाथों में स्वेलिंग भी हो गई है। अभी क्या हो रहा बच्चे, तुमको क्या हो गया? दर्द हो रहा है बहुत। दर्द हो रहा है, कोई नहीं, ये पूरा हाथ में स्वेलिंग हुई है, नॉर्मल है। ब्लड चढ़ाने की वजह से, ब्लड जो चढ़ा है ना हाइफा के दोनों हाथ में अभी ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, आईवी लगा हुआ है। तो वो वजह से अभी डॉक्टर ने कहा है कि इंशाल्लाह देखो कब क्या होगा पता नहीं, नॉर्मल है अभी सब, पेन उठा है ना, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह आसानी करे। ऐसे सोने वाली तो बात ही नहीं है आज, बहुत दुख रहा है। अभी इन्होंने आइस पैक ला के पूरी नस दिख रही है, यहाँ सूजा हुआ ना, कोई ना कोई। तो गाइस आयशा और मैं रात में चले गए थे, आप लोग ने तो देख ही रहोगे, तो बस और हम लोग आ गए थे सुबह में 5:30-6 बजे के आसपास, कि यहाँ पे हाइफा को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसको 4 बजे से जो पेन होना चालू हुआ है अब बज रहे हैं 2:30 बजे तक, अब तक उसको इतना पेन हो रहा है गाइस, यहाँ पे सब सुबह से जाग तो रही थे, उसके बाद फिर रो रहे थे सब, आयशा रो रही है, काशिफ भाई रो रहे, जब हम लोग आए सनापा रो रहे, सबके सब गाइस बहुत रो रहे थे लोग, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे करूँ क्या। तो यहाँ पे हाइफा अब जाके उसको दर्द गाइस, उसने दर्द इतना झेल लिया ना कि वो थक गई है, वो दर्द ले लेके अभी बस वो सिर्फ हो रही है, वो सिर्फ वही बॉडी की हो रही है। इस वजह से मैं मम्मी को भी नहीं बुला रहा हूँ कि मम्मी आएंगे तो मम्मी और ज़्यादा टेंशन लेंगे और उसके बाद फिर और चीज़ें होगी, मैं चाहता ही नहीं हूँ मम्मी डरे रोए पिछली बार की तरह। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि हाइफा बस जल्द से जल्द सही से कर ले। हाइफा बैठ मत, थोड़ा चलने बोलिए डॉक्टर ने। टेंशन मत लो, हो जाएगा। डॉक्टर सुबह से हम लोगों सिर्फ बोले यार ये 1 घंटा 1.5 घंटे में हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। वो पता नहीं हम लोगों को दिलासा दे रही है, हाइफा को दिलासा दे रही है, समझ में नहीं आ रहा। अभी उन्होंने बोले कि और 2-3 घंटा मतलब इवनिंग लग जाए, इवनिंग हो जाएगी, इवनिंग में ही कुछ हो सकता है। अल्लाह बस जल्द से जल्द कुछ अच्छी खुशखबरी दे दे, इसका दर्द देखा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है वो। दर्द हो रहा तो बैठ रही है। पोजीशन में बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि बेबी की मुंह खुलेगी, बहुत दुख रहा है। रात में तो गाइस ऐसा वो उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बात कर रही है, क्या हो रहा है उसको, सिर्फ बस बोल रही दर्द हो रहा है निकालो, दर्द हो रहा है निकालो, दर्द हो रहा है निकालो, बस ये रिपीट ही कर रही थी वो और रोए जा रही थी। और अभी तो वो इतना थक गई ये बोल बोल के कि उसको देख के ऐसा लग रहा ही नहीं उसको इतनी तकलीफ हो रही है। और ये चीज गाइस एक प्रेग्नेंट औरत का दर्द एक नॉर्मल लड़की को इसी वजह से नहीं दिखाया जाता ताकि वो अपने बच्चे के टाइम पे तकलीफ ना ले ले। और आयशा ने ये चीज़ देख लिए ना, उसका पहला रोई वो रो के मेरे को बाहर निकली, मैं तुमको बच्चा नहीं दूंगी। मैं बच्चा नहीं करूंगी, मेरे को नहीं दर्द। क्योंकि हाइफा इसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत, मैं देख रहा हूँ अभी कि वो जिस हिसाब से वो दर्द सहन कर रही है। फिर ये बच्चे पैदा होते हैं और ऐसे
हाइफा मेरे को देख, तो मेरे आदमी को देखो, अगर खूबसूरत बच्चा तुमको चाहिए तो अप्रेज जैसा होना चाहिए। तो गाइस हाइफा को अभी डिलीवरी रूम में लेके जा रहे हैं। तो गाइस अभी हाइफा को डिलीवरी रूम में लेके गए हैं और बोले हैं कि कुछ अभी बोल नहीं सकते क्योंकि अभी जो इंजेक्शन यहाँ पे दे रहे थे रूम में, वो इंजेक्शन अभी देंगे वहाँ पे लेबर रूम में, क्योंकि यहाँ पे हाइफा हम लोग की वजह से और ज़्यादा वो थोड़ा कमज़ोर पड़ी थी। तो डॉक्टर ने बोले कि अंदर लेके चलते हैं लेबर रूम में, वहाँ पे बस थोड़ा टाइम लगेगा, तुम लोग से मिल नहीं पाएगी, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही कोशिश करेंगे कि सब अच्छे से हो जाए। देखते हैं अभी क्या होता है गाइस। तो इसी के साथ ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।